जोधा अकबर की हकीकत क्या है। मुगल बादशाह अकबर और जोधा बाई की कहानी को एक रोमांटिक कहानी में बदल दिया गया है। सच तो यह है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक शादी थी। मुगलों के साथ राजनीतिक कारण से वैवाहिक संबंध काफी सामान्य थे। सबसे पहले इस हकीकत को जानिए कि उनका नाम जोधा बाई कभी नहीं था। उनका नाम वास्तव में मरियम उज जमानी था, हालांकि यह उनका जन्म का नाम नहीं था। उनका असली नाम तो हम भूल गए हैं, लेकिन वह कई नामों से जानी जाती है, खड़का बाई, चंपावती जैसे नाम से। अकबर और मरियम उज जमानी का विवाह प्रेम संबंध नहीं था, यह एक राजनीतिक शादी थी। मरियम उज जमानी आमेर के राजपूत शासक राजभारमल की पुत्री थी। यह विवाह राजभारमल की मुगल सत्ता के प्रति अधीनता का हिस्सा था। इस शादी ने राजा भारमल के परिवार को मुगलों की सेवा में बांध दिया। इस तरह के वैवाहिक संबंध मुगलों और राजपूतों के बीच काफी आम थे। ऐसा लगता था कि मरियम उज जमानी को अकबर से कोई श्रेष्ठ या विशेषाधिकारों वाला व्यवहार नहीं मिला। यह रोमानियत पर आधारित एक गलत धारणा है जो उसने की। वह मुगल सम्राट की कई पत्नियों और ख्यालियों में से एक थी। उनकी स्थिति में ऊंचाई इस तथ्य से आई कि उसने अकबर के उत्तराधिकारी सलीम को जन्म दिया। रैंक और प्रभाव में उनका उदय वास्तव में अकबर की मृत्यु के बाद हुआ, जब जहांगीर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उनका रुतबा नए मुगल सम्राट की मां होने का परिणाम था, इसलिए नहीं कि उसके पहले उनका अकबर के साथ कोई खास रिश्ता था। सो गाइस, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।